इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का जो मुकाबला खेला जाना है, महामुकाबले से पहले जो वो महामैदान जिसको तैयार किया गया है इस महामुकाबले के लिए, बिल्कुल ऐसा लगता था वो मैदान है ही नहीं क्रिकेट का, लेकिन एक साल के अंदर वो मैदान पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से उस मैदान को तैयार किया गया और साथ ही साथ क्या डायमेंशन है उस पिच से, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 1 जून को भी टीम इंडिया को वहां पर खेलना है, 5 जून को भी खेलना है और फिर 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ वो मुकाबला भी यहाँ पर खेलते हुए वो नजर आएंगे। अगर आप बात करें, इस मैदान पे एक भी मुकाबला अभी तक नहीं खेला गया है। ये जो पिच है ये ड्रॉप इन पिच है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ड्रॉप इन पिच क्या होती है, कि एडिलेड पे ये पिच बनी, वहाँ से बिल्कुल उसको जो एयरलिफ्ट कहते हैं उसको एयरलिफ्ट किया गया और फिर ड्रॉप किया गया यहाँ पे जो न्यूयॉर्क में ये मैदान है, इसीलिए इसको ड्रॉप इन पिच कहा जाता है। अब आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि ये पिच एडिलेड की जैसे पिचेज होती हैं जो उछाल भरी होती है, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होते हैं, यहाँ पे वैसा ही बिहेव करने वाली है। और आपको एक चीज़ समझनी होगी कि न्यूयॉर्क और एडिलेड दोनों नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं यहाँ पे, और इस वजह से उस चीज़ को आप बहुत फ़ायदा यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को मिलता है, दोनों बहुत सिमिलर नज़र आते हैं यहाँ पे, तो ये एक रीज़न है यहाँ पे। और अगर बल्लेबाजी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगी बल्लेबाजी के लिए पिच, जिस तरह से स्टेडियम को तैयार किया गया है, पिच को तैयार किया गया है, ड्रॉप इन पिच यहाँ पे नज़र आ रही है। आउटफील्ड की बात करें तो केंटुकी ब्लू ग्रास यहाँ पे यूज़ की गई है, जो ग्रास है यहाँ पे, और तोहमा ब्रमुडा ग्रास यहाँ पे, बर्मुडा ग्रास, जी हाँ, तहोमा ब्रमुडा ग्रास का यहाँ पे ड्रॉप इन पिच एडिलेड ओवल के क्रिएटर डेमन हाफ के मार्गदर्शन में यहाँ पर तैयार की गई है। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ कि हाई स्कोरिंग मैचेस आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे रोमांच भी पैदा कर सकते हैं। वहीं अगर बाउंड्री डायमेंशंस की बात की जाए कि बाउंड्री डायमेंशंस क्या हैं, किस तरह से आप यहाँ पे अपनी फील्ड प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वह राउंड सर्कल वाला स्टेडियम नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का ये स्टेडियम नज़र आएगा आपको, तो यहाँ पे 65 से 70 मीटर की बाउंड्री रहने वाली है, जो कि काफ़ी होती है। 65 से 70 मीटर, 80 मीटर तक आप उम्मीद करते हैं कि होगा वहाँ पे, तो 65 से 70 मीटर यहाँ पे रहेगा। नॉर्थ पवेलियन एंड और साउथ पवेलियन एंड नाम रखे गए हैं यहाँ पे दोनों बॉलिंग एंड्स के, और 34,000 यहाँ पर क्षमता है सीटों की। अगर बात करें यहाँ पे कितने दर्शक यहाँ पे बैठ सकते हैं, 34,000, वैसे चाहिए तो लोगों को कि 34 लाख बैठ जाए यहाँ पे, 34 करोड़ बैठ जाए, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला है 34,000 सीट यहाँ पर उपलब्ध है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस डायमेंशन में इस पिच को कौन ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है और कौन ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन 9 जून को यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि ये पिच किसके अनुकूल होगी और साथ ही साथ कौन उस महामुकाबले को जीतेगा, आप अपनी राय यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।